तारा तक बस चलना बजा यारी दाते कुछी दारी कोई दा प्रिंट छपिया नी मित्रा नी काटे। हाँ जी किदा की हाल चाल है तुहाडा, मैं उम्मीद करता सारे वधिया होगे एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल TLU। आज असी रिएक्ट करने जा रहे हैं सिद्धू मूसेवाले के गाने होते जिदा नाम है सेलिब्रिटी किलर। और उससे पहले यार सॉरी सभी को, थोड़ा लेट नहीं बहुत ज्यादा लेट आ रहा भाई, ये मतलब हर कोई मतलब गुस्सा होगा हमसे कि यार इतना लेट, मतलब पहले चलो एक दो दिन तक तो हम बर्दाश्त कर लेते, 15 दिन बाद आप निकाल लो। अभी इसको तो हफ्ता हुआ है ना। हाँ वही हफ्ता हो गया यार इस गाने को, पर सॉरी यार थोड़ा काम से फंस गए थे हम दोनों, ऐसे सिचुएशन हो गई थी वीडियो नहीं बना पा रहे थे। हाँ बट अब सेलिब्रिटी किलर सिद्धू मूसेवाला, अच्छा इसमें बड़ा सिद्धू भाई ने थोड़ी छेड़छाड़ी करी क्योंकि हम लोग प्रिपेयर थे कि इस दिन आने आ रहा था, मुझे याद है सेकंड को आने वाला था पहले, पहले तो 28th या 30th को आने वाला था, फिर 2nd अगस्त हुआ, फिर 9th को, और ये बढ़ते ही गया ये सिलसिला, और ये थोड़ा किया इन्होंने थोड़ा क्योंकि एक की एल्बम भी आने वाली थी तो उसी चक्कर में वही वो भी हो सकता है। और उसकी स्टील बैंगल्स की कुछ उस दिन शायद गाना आना था, नहीं उसके एल्बम में भी आनी है स्टील बैंगल्स, अच्छा, अच्छा, उसमें भी फीचर रहेगा सिद्धू मूसेवाले का। अरे बढ़िया, स्टील बैंगल्स की अपनी एल्बम आ रही है अभी, 30 गाने अपने निकाले और फीचर भी आना है। तो ये चीज इसने मतलब यूके वाले सीन के साथ जो हिप हॉप सीन वहां का है वहां से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और इसका वैसे तुम काम देखोगे ना, अगर आप लोग भी जाके जरूर चेकआउट करना कि राव सवेरा वैसे म्यूजिक बनाता है, खुद रैप करता है, मतलब गाता है, म्यूजिक बनाता है, और उसका म्यूजिक बिल्कुल ओल्ड स्कूल पंजाबी जैसे होता था ना, तबला तुम्बी, एकदम क्लासिकल बनाता है। अच्छा क्लासिकल नहीं कहूंगा बट वो तुम्बी बिल्कुल पूरा वो टच रखता है, पूरा हिप हॉप नहीं रखता वो, पूरा वैसा टच। अच्छा ये गाना बहुत ज्यादा ये हाइप में था और इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग वेट कर रहे थे क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर है 6 है ना, 6 हाँ 6 प्रोड्यूसर है, मतलब जेबी स्टील बैंगल्स किड, एक रिच करके कोई है, आई लव रिच करके मैंने शायद सुना था टीजर में, एक बार देख ही लेते हैं। हाँ देख लो, कौन बहुत है यार इसमें, जेबी स्टील बैंगल्स और किड तो पक्का है भाई। मतलब ये गाना क्या है भाई, मतलब ऐसा क्या है भाई बना दिया कि मतलब इतने प्रोड्यूसर की जरूरत पड़ गई, जहाँ अकेला किड भाई जो है हर गाने में मतलब खुद ही बना रहा है। पता नहीं किस किसने क्या क्या एलिमेंट्स अरेंज करे होंगे, कि उस पे बेस लाइन पे किसने अरेंजमेंट करी होगी या मेलोडी किसकी है, पता नहीं वही चीज। तो क्रिस रिच गाना सुन के पता चलेगा, चल भाई पाजी सुनते हैं फिर। हाँ गाना बजाते हैं ये सब एलिमेंट्स होते हैं ना, गोलियां वोलियां ये सब मुझे लगता है किड करता है, पता नहीं कौन, वो छोटे छोटे एलिमेंट जो सिग्नेचर है ना सिद्धू, हाँ, सिद्धू के वो शायद के ऐड करता है। पहले तो बिग बर्ड उस चीज को बहुत, हाँ बिग बर्ड लेके चलता था उसको, बिग बर्ड और सनी मॉल्टन दोनों को करते थे। बाकी इसने पूरा वो ड्रिल वाला वाइब है, पूरी ड्रिल वाली वाइब है। गुच्ची दानी गोली वाला सब छपया मित्र अधिकार है। और ये जो कुछ सीन्स थे ना भाई, ये उसमें आए थे, जो इंट्रो नहीं आया था इसका, जो स्टार्टिंग एग्जैक्टली हाँ, जो इंट्रो या टीजर आया था ना पहले, इंग्लिश में पूरा टीजर ट्रेलर आया था रखा था, हाँ वो इसी अच्छे इसी के शॉर्ट्स थे, इसी के शॉर्ट्स थे। और ये गुच्ची वाला सब आजकल मतलब आजकल क्या, मतलब 2-3 साल पहले बहुत चल रहा था, ट्रेंड में बहुत था, अरे अभी भी ये क्या कहते हैं खासकर डिवाइन ये लोग भी बहुत यूज करते हैं। एक मैंने किसी के गाने पे सुल्तान के गाने में देखा था मैंने, गाड़ी पे अच्छा, बना हुआ था दिलपिन डिल्लो, इन सब बहुत लोगों ने मतलब लोग आजकल करते हैं। तो उन्हीं को ये कह रहा है कि गुच्ची वाला साहब नहीं गोली वाला साहब, गोली वाला साहब है। भाई बेस बहुत अच्छा लग रहा है, हार्ड भाई। विंडो रोम करते गैर सोनिए
नहीं करना तेरे शहर छोड़िए नाइस म्यूजिक कोई हुई जी बाइक ने थल्ले मिट्टी है जदी फाके बदबी कोई हुई जी ना तेरे शहर छोड़िए ये बोल रहे हैं कोई हुई जी बाइक ने थल्ले कोई हुई जी बैगन खोई भी जी खोई भी मतलब जैसे कहते हैं ना गलत काम करो तो ऑफ रिकॉर्ड है मतलब गाड़ी रिकॉर्ड्स पे नहीं है वो वाली गाड़ी यूज कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा भाई ये गैंगस्टर पूरा मतलब सिद्धू गैंगस्टर आप यही संभाल रहा इंडिया में ये और डिवाइन डिवाइन हाँ एकदम सही बोला भाई इसका वर्स मुझे अच्छा लगा यार थोड़ा छोटा था इसका टीओन का थोड़ा और होना चाहिए वर्स है ना वही Spray the car, got a ten chance. See me, I roll up, bait to the function. Play violation, lungs getting punctured. Boots on the net, long top, but they're bluffing. Play, I don't talk, get straight to the car. Underground, the sadi chale, jindagi na yau na line milte. Aao bari aate mathe aate, ho no point naal, sadi sign milte. Aao aitho kar rot ba tu check, suni ani musse yare yad da. भाई ये भाई लिरिक्स में कोई मतलब कह रहे जिससे मेरी लड़ाई होती है खार कुछ होता है हाँ। तो उसको सरकार की तरफ से गनमैन मिलता है गनमैन जो बॉडीगार्ड भाई ड्रिल में दो तीन है ऐसे सिग्नेचर स्टेप्स अच्छा ये दो प्रोड्यूसर अभी और आने बाकी होंगे नाइस नाइस बढ़िया बढ़िया वीडियो अच्छी लगी मुझे मुझे भी हाँ पूरा भाई अच्छा खासा अच्छा किया भाई इसमें मतलब न्यूयॉर्क ड्रिल और यूके ड्रिल बिल्कुल वैसे ही रखा पूरा मिश्रण रखा उसका सेलिब्रिटी किलर तभी रखा अच्छा लगा हाँ बट और गाने इसके मतलब जितनी हाइप बनाई थी उस हिसाब से थोड़ा कम थोड़ा कम लगा क्योंकि हाइप इसकी बहुत ज्यादा बन गई थी मतलब हर कोई वेट करता हाइप पता है इसलिए भी बनी थी क्योंकि टी ऑन मैन का ना अभी वायरल हुआ है दो तीन गाने अच्छा, पीछे ओके, ओके। इसलिए हाइप मुझे लग रहा ज्यादा बनी है बनी और यार इतने प्रोड्यूसर्स हैं प्रोड्यूसर हैं उनको सबको ये बेचैनी होगी यार कि एक प्रोड्यूसर इतना कर बाकी क्या इतना ऐड कर दिया कुछ अलग हो गया कुछ अलग हो गई तो देखो इतने प्रोड्यूसर अगर मिलके बना रहे हैं To be honest, तो मुझे ऐसा लगता है बिग बर्ड अकेले ही काफी था अगर इतने जो सब एलिमेंट हमने सुने हुए हैं नो डाउट म्यूजिक बहुत अच्छा मुझे इनफैक्ट म्यूजिक इसका बहुत अच्छा लगा पर कुछ न्यू नहीं लगा हाँ कुछ ऐसा था ना कि न्यू छह प्रोड्यूसर है कुछ अलग हुआ अलग वो एक्सपेक्टेशन लोगों की इतनी होगी कि वो फिर गाना ऐसे लगने लगा कि नहीं वेन का भी पोर्शन कम लगा मुझे मुझे ऐसा क्या लगा बस के उसके चार्ज ज्यादा हो गए अरे नहीं सिद्धू ने लाइव में बोला जिस जो भी मैं इसका मीम भी आया था कह रहा था मैं कोलैब वोलैब करता हूँ ना तो बंदा देख के करता हूँ बंदा अगर ठीक लगेगा तो कोलैब करूंगा पैसे ऐसे ना मैं देता हूँ उनको ना वो मुझे देते हैं हाँ। तो एक मीम था कि बिग बर्ड और सनी मॉडल बने हुए थे कह रहा था पाजी इसी दादा रो रहा है पैसे दे रो रहा है सारा अच्छा अच्छा हाँ याद आ गया पैसे दे दो वही वही नहीं नहीं ये सही कहा तो ये बढ़िया लगा आप लोग भी बताइए कैसे लगे सेलिब्रिटी किलर आपको लास्ट गाना था ये लास्ट गाना तो अब इसकी वो आ रही है मूवी हाँ मूसजट मूवी की वो आ रही मूसजट की
ट्रेलर तो हम उस पे भी ट्राई करके रिएक्ट करने का। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और यार एक चीज और है, और आप लोग बताना कि आपको ये गाना कैसे लगा, जिस तरह से इसकी हाइप बनी उस हिसाब से आप भी बताना आपको ये गाना कैसा लगा, डिसअपॉइंटेड लगा कि आपको मतलब सही लगा बाकी गानों से, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं बाकी किसी जितनी आर्टिस्ट से कंपेयर करें जितनी हाइप बनी थी उस लेवल का आपको लगा कि नहीं कमेंट्स में जरूर बताना। क्योंकि मुझे तो अभी भी 295 और 295 तो अलग है, उसको अलग पावर भी है ना पीतरा, वो सिर्फ ऑडियो निकला उससे 50 मिलियन क्रॉस कर लिया, बातें ऐसी कह गया ना, बातें ऐसी। अभी मैंने ये देखा इस वाली वीडियो 6 मिलियन व्यूज है जबकि इतनी ज्यादा हाइप थी। और अब बाकी गाने भी देखो गोट उन सबके भी व्यूज इतने ज्यादा नहीं आए, तो होता क्या अगर वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, अगर ऑडियो में इतना दम हो 295 तो दम था उसको अलग, एक 295 अलग और बाकी मोस्टअप अलग मुझे अच्छा लगता है। अच्छा यार एक चीज और है, अगर आपका इसमें बढ़िया रिस्पांस है तो हम लोग ये भी सोच रहे थे पूरा इसका रिव्यू करेंगे, मोस्टअप का पूरे सारे गानों, हाँ सारे गानों का रिव्यू करेंगे, बताएंगे कौन सा गाना अच्छा है, पूरा अरेंजमेंट पूरा आपको हर एक चीज बताएंगे उसमें, क्योंकि हमने सब गानों पे इस पे रिएक्ट किया, तो हम बताएंगे क्या मार्केटिंग क्या कुछ जो जो चीजें चीजें ट्राई की है पूरा कैसे, मतलब पूरी एल्बम आउट कैसे आई है, आउट कैसे आई, तो हम उस पर पूरी बात करेंगे। बस आप लोग यार ऐसी सपोर्ट करना, प्यार दिखाओ, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो इसी के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।